नमस्कार दोस्तों, देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती रहती हैं, शगुन अपशगुन ये चीजें हमारी जिंदगी में होते ही रहते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें नहीं पता चलता है कि ये शगुन है या फिर अपशगुन। आज जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान कि क्या होते हैं शगुन और अपशगुन। अक्सर देखा जाता है कि लोग रात को सो जाते हैं और सोने के बाद जिस बिस्तर पर सोए हैं सुबह उठने के बाद उसको ठीक से रखते नहीं हैं, उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप ऐसी काम करते हैं या फिर इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यह आपको शगुन की जगह अपशगुन के गुण देता है। यदि आप सूर्यास्त के बाद किसी के घर जाकर प्याज दही या कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो वह आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं लेकर आ सकता है। अक्सर देखा जाता है कि घर में कोई सामान खत्म हो जाता है तो आप अपने आस पड़ोस के किसी के घर से या फिर अपनी ही फैमिली के किसी के घर से पड़ोस में से वह चीज़ ले आते हैं कि अभी ले आते हैं कल उसे वापस कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपनी जिंदगी में शगुन की जगह अपशगुन लेकर आ रहे हैं। यदि आप सूर्यास्त के समय पर ऐसे काम करते हैं तो वह आपकी जिंदगी से आपको धन से भी लुप्त कर देता है, यानी कि धन आपके पास नहीं रहता है। यदि आपका खर्चा बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिर भी कुछ चीज बचती नहीं है तो उसके लिए भी ये चीजें जरूरी है। आप सोते समय ये भी देखिए कि आपकी जो तकिया है जिस पर आप सर रखकर सोते हैं वह किस दिशा में रखी हुई है और किस दिशा में रखकर आप सो रहे हैं, क्योंकि दिशाएं आपकी जिंदगी पे पूरा पूरा हक रखती हैं कि आपकी जिंदगी में क्या और कैसे होना है। लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप कभी सोचते ही नहीं, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में अपशगुन को शामिल करते हुए चले जाते हैं और वह चीजें आपकी जिंदगी में परेशानी लेकर आती हैं। यदि आप चाहते हैं ये परेशानी ना रहे तो शगुन अपशगुन को देख कर ही अपने काम को ठीक से करें ताकि अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशहाल बना सके। और ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर से काम के लिए निकल रहे हैं तो आपके आसपास भी कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। अक्सर देखा जाता है कि आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ फलों का सेवन करते हैं और फलों का सेवन करने के बाद छिलके कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कूड़ेदान की जगह कोई अच्छी जगह रख देनी चाहिए ताकि आप बाद में इसे फेंक सकें। ऐसा करने से आप चीज़ों को व्यवस्थित भी रखते हैं और अपशगुन और शगुन से भी बच जाते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।